थ्रोट कैंसर के कारण की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कारण है स्मोकिंग, एल्कोहल, पुअर हाइजीन, पुअर इम्यूनिटी। हेलो दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। दोस्तों बात करते हैं आज थ्रोट कैंसर, गले का कैंसर। क्यों गले का कैंसर होता है, क्या कारण है, क्या कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, क्या उसका मैनेजमेंट है। दोस्तों थ्रोट कैंसर जो है वो इंडिया में एक बहुत कॉमन कैंसर है। थ्रोट कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं क्या है। जो हमारा गला है, गले के अंदर जो है हमारे को जो कैंसर क्रिएट होता है जिसको हम थ्रोट कैंसर बोलते हैं। दोस्तों थ्रोट कैंसर के कारण की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बट जो कॉमन कारण जो है वो है स्मोकिंग, एल्कोहल, पुअर हाइजीन, पुअर इम्यूनिटी। दोस्तों ये जो कारण है जिनसे हमारे शरीर के अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी कोशिका होती हैं, उनमें कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जो ये कैंसर प्रोवोकेटिव फैक्टर्स हैं। इनमें दोस्तों मोटे रूप से अगर हम देखा जाता है तो स्मोकिंग जो है मेन है। तो गले का जो कैंसर होता है उसका कारण में अगर बात करते हैं तो स्मोकिंग और एल्कोहल मोटे रूप से, तीसरा टोबैको, बीड़ी, तम्बाकू, ये तीन चीज़ें हैं जो गले के कैंसर को उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसके लक्षण की बात करते हैं तो जो गले में कई बार क्या होता है, जिस सबसे पहले अगर हम गले का कैंसर है तो हमारे आवाज़ में बदलाव। दोस्तों ये जो आवाज़ में बदलाव है ये बहुत बार क्या है कि पेशेंट के द्वारा कई बार क्या है एक्सेप्टेबल नहीं होता। पेशेंट कहता है मैंने एक ठंडा खाया था दोस्त और उस ठंडा खाने के कारण मेरी जो है आवाज़ में बदलाव आया है। लेकिन अगर आपका जो है 3 हफ्ते से ज़्यादा आपकी आवाज़ के अंदर चेंजेज आता है, आपको माउथ से कोई ब्लीडिंग होती है, या दोस्तों आपका जो है ओरल कैविटी है उसमें कोई ऐसा छाला है जो 3-4 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रहा, या उसमें कोई ब्लीडिंग हो रही है, या उसमें पेन भी नहीं हो रहा, या हम अंदर एक बक्कल म्यूकोजा है, हमारे जो गलाफे हैं अंदर उनमें कलर चेंजेज हो गया, वाइट वाइट हो गया, रेड हो गया, दोस्तों ये वो लक्षण हैं जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, इसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना है। दोस्तों जो इन सब चीज़ों में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो अगर कोई छाला है तो उसको देखा जाता है, एक FOL एक टेस्ट होता है, उस FOL टेस्ट के माध्यम से हमें ये पता लगा लिया जाता है कि ये इस जगह में ये कैंसर है, इस जगह के अंदर ये गांठ है। उसके बाद दोस्तों उसमें से एक बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी में क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे एक छोटा सा टिश्यू पिकअप किया जाता है, उस टिश्यू की जब जांच आती है तो हमें ये पता लग जाता है कि ये कौन सी टाइप का कैंसर है एंड ये किस ग्रेड का कैंसर है। दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, बहुत बार जब हम पेशेंट को ही समझाते हैं कि इसकी बायोप्सी होनी चाहिए, पेशेंट के दिमाग में कुछ चलता रहता है कि उसको लगता है कि अगर मैं इसको छिड़ाऊँगा तो ये मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा, या अगर मैंने बायोप्सी ले ली तो इसमें कैंसर आ जाएगा। दोस्तों ये दो बड़ी इम्पोर्टेंट बात हैं जो पेशेंट के इलाज को रोकते हैं, एंड जो उसकी बीमारी प्राइमरी स्टेज पे थी तो वो दोस्तों ग्रेड 5 तक और लेट तक वो ऐसी डिजीज हो जाती है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। दोस्तों डॉक्टर ने अगर आपको एडवाइस किया है कि इसमें आपको बायोप्सी होनी चाहिए तो तुरंत आपको उसमें बिना जो है समय गवाएं तुरंत बायोप्सी कराना चाहिए, जिससे हमें उचित समय पे कैंसर में दोस्तों इलाज के अंदर समय का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि उचित समय पे हमने इलाज कराया है कि नहीं है। अब दोस्तों जब बायोप्सी में कैंसर आ जाता है उसके बाद CT स्कैन गले की करा के हमें देख ली जाती है कि इस जो ट्रीटमेंट की क्या मॉडलिटी है। 3-4 चीज़ें होती हैं जो इसके ट्रीटमेंट में होती हैं, एक होता है ऑपरेशन, एक होता है दवाइयाँ। तो दवाइयाँ में क्या है कि 7 के अंदर रेडियोथेरेपी होती है। तो कैंसर का नियम ये होता है कि दोस्तों अगर हमें CT स्कैन में ये पता लगता है कि ये कैंसर निकालने लायक है तो उसको सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, एंड उसके बाद आपको उस कैंसर की कोशिकाओं को ख़त्म करने के लिए कुछ जो है वो रेडियोथेरेपी लगाई जाती है, एंड रेडियोथेरेपी के साथ में दोस्तों कीमोथेरेपी जिसको हम इंजेक्शंस बोलते हैं वो भी लगा दिया जाता है, जिससे हमारे उस कैंसर की कोशिकाएं शरीर के और किसी हिस्से में भी होती हैं तो वो भी डैमेज जो है वो हो जाएं और ख़त्म हो जाएं। एंड आप जो है जो आदमी आप ये देखो कि कैंसर के कारण 6 महीने नहीं जीवित था वो 10 साल भी निकाल सकता है। सो दोस्तों
आपको समय बिना गवाए अगर कोई समस्या है और डॉक्टर की सलाह लेके जैसा डॉक्टर बता रहा है वैसा हमें करना चाहिए। सो हमें थ्रोट कैंसर से बच सकते हैं। सो दोस्तों देखा आपने, एंड ये हैबिट आप बना लो, मेरे को स्मोकिंग नहीं करना, एल्कोहल नहीं लेना, मेरे को टोबैको नहीं लेना, तो दोस्तों आप फिर सेफ हैं। सो देखा दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग थ्रोट कैंसर। थैंक यू।